हरियाणा के हिसार में मेकअप आर्टिस्ट का गैंगरेप, पीड़िता बोली भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रॉपर्टी डीलर घर दिलाने के बहाने होटल ले गए, नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद किया गैंगरेप। हरियाणा के हिसार में 8 महीने से काम कर रही मेकअप आर्टिस्ट के साथ गैंगरेप किया गया है। उसने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मनदीप मलिक और प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप शेरावत ने उसके साथ यह दुष्कर्म किया है। लड़की ने यह भी बताया कि घर दिलाने के बहाने दोनों आरोपी उसे एक होटल में ले गए और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। युवती ने सदर थाना पुलिस को दोनों के खिलाफ शिकायत दी है। मंगलवार 22 अक्टूबर को युवती का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनदीप मलिक ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि दूसरा प्रॉपर्टी डीलर जानबूझकर उन्हें फंसा रहा है। आखिरकार युवती ने पुलिस को क्या क्या बताया है? शहर की पोस्ट कॉलोनी में रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि उसे एक घर लेना था। इसके लिए उसने मिल गेट रोड स्थित निवेश प्रॉपर्टी के मालिक प्रदीप शेरावत को फोन किया। प्रदीप ने उसे घर दिलाने का वादा किया। युवती का आरोप है कि प्रदीप शेरावत को उसने दोबारा फोन किया तो फोन भारतीय जनता पार्टी के नेता मनदीप मलिक ने उठाया। उसने कहा कि अगर घर के बारे में बात करनी है तो बाईपास स्थित मिनी पंजाब होटल में आ जाओ, प्रॉपर्टी डीलर भी यहीं आ जाएगा। इसके बाद वह होटल पहुंच गई। युवती का आरोप है कि होटल में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनदीप मलिक मिले और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह अचेत होने लगी। इसी दौरान प्रदीप शेरावत भी वहां पर पहुंच गया। दोनों ने उसके साथ रेप किया। जब पीड़िता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को कार्रवाई की चेतावनी दी तो नेता ने धमकी दी कि उसकी पहुंच सरकार में है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनदीप मलिक ने कहा कि उनका इस घटना से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप शेरावत ने एक कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी, इसे लेकर दूसरे पक्ष को नुकसान हुआ था। इस बारे में प्रॉपर्टी डीलर और दूसरे पक्ष की भी पंचायत हुई थी। इस पंचायत में मुझे भी बुलाया गया था। साजिश के तहत युवती के जरिए खेल खेला गया है। मैं उस युवती को जानता तक नहीं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 10 दिन पहले ही 12 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के नेता भीमसेन पर 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग महिला क्रिकेट खिलाड़ी से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। युवती ने बस स्टैंड पर हंगामा भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भीमसेन को पकड़ लिया था। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है कि जिस तरह से अब सरकार बनी है और लगातार हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी हरकतों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।